हेलो बच्चों, आप लोग सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ और आज हम बात करेंगे क्लास 10 के एक चैप्टर का। ये पार्ट 1 है, तो चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो शुरू करते हैं, उसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 जितने भी होंगे कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। और वीडियो देखने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, व्यू करते हैं लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ज़रूर कीजिए ताकि मुझे ऐसा ही मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाता रहूँ। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे किस तरह का टॉपिक चाहिए, क्या चाहिए, आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो बच्चों शुरू करते हैं, ये एसिड बेस सॉल्ट्स का चैप्टर है। तो पहले जो की पॉइंट्स होते हैं जो मैंने नीचे लिखा है, तो पहले वो समझ लेते हैं कि की पॉइंट्स क्या है, कि एसिड्स क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है। तो दो सब्सटेंसेस विच टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन हो, एक पेपर होता है, एक सॉल्यूशन। तो उस ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को में अगर ऐसा सब्सटेंस डालते हैं कि उसका कलर रेड हो जाता है, देन दैट कॉल आर एसिड्स। और एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है, खट्टा होता है। दे गिव H+ आयन्स इन एक्वा सोल्यूशन। किसी भी एक्वा सोल्यूशन में डालोगे तो वो क्या देगा? H+ आयन्स देंगे वहाँ पे। ओके, तो जैसे बेस में OH- आयन देते हैं तो यहाँ पे H+ आयन्स देंगे। जैसे HCl, इसको अगर एक्वा सोल्यूशन में डालेंगे तो H+ HCl- देंगे। उसी हिसाब से H2SO4, उसी हिसाब से HNO3 नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड H3COH, तो सब हमको H+ आयन्स देंगे इन द एक्वस सोल्यूशन में, तो वो हो जाएंगे एसिड्स। और उस हिसाब से फिर दोज एसिड्स विच डिसोसिएट्स इनटू आयंस कंप्लीटली आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या किसको बोल रहे हैं? जो पूरी तरह से अपने आप को डिसोसिएट कर देंगे, सेपरेट हो जाएंगे। H2SO4 को जैसे ही सॉल्यूशन डालेंगे तो H2H अलग हो जाएगा, H+ आयन और सल्फेट आयन अलग हो जाएगा, पूरी तरह से सेपरेट हो जाएगा। तो उस तरह के एसिड को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और कुछ वीक एसिड्स होते हैं, जैसे दोज एसिड विच डू नॉट डिसोसिएट्स इनटू आयंस कम्प्लीटली। कम्प्लीटली नहीं होता है, आयंस अलग अलग पूरी तरह से नहीं हो जाता है। तो आर कॉल्ड वीक एसिड्स। तो पूरी तरह से अलग जो हो जाता है वो होता है HCl, H2SO4, इस तरह से। और जो वीक एसिड्स होते हैं जो आयंस पूरी तरह से अलग नहीं होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो भी है, H+ और Cl- इस तरह के जो भी है, पर वो वीक एसिड में जो है वो है सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड, ऐसे बहुत सारे हैं। तो मैंने सिर्फ दो ही एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं कि इनको वीक एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, ये तो गया एसिड्स। फिर नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग बेस के बारे में बात करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड देखो, पहला क्या है? रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, तो जगह कम था इसलिए मैंने सिर्फ इक्वेशन लिखा है, मैं एक एक करके बोल दूंगी कौन कौन सा है। तो HCl क्या है? HCl है एसिड। जिंक क्या है? मेटल। और क्या फॉर्म करेगा? जिंक सल्फेट यानी ZnCl2, वो एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस। तो एसिड जब भी रिएक्ट करता है मेटल के साथ फॉर्म करता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ओके बच्चों, अब आते हैं रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट आता है? Na2CO3, ये एक मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, और इसके साथ हमने एक ने एसिड दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या फॉर्म करेगा? NaCl, जो कि एक सॉल्ट है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो याद रखना, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर एसिड हम रिएक्शन करते हैं तो हमको सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के हिसाब से मैंने दिया है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इसके अंदर में एक टेस्ट फॉर, जिसको हम बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए वो हम क्या करेंगे? कार्बन लाइम वाटर टेस्ट करेंगे। सो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस इज पास थ्रू कैल्शियम हाइड्रो हाइड्रोक्साइड
यानी कि जो जिसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे लाइम वाटर है, तो क्या होता है, इट टर्न्स मिल्की, ओके, मिल्की टर्न्स हो जाते हैं, मिल्की मिल्की टाइप हो जाता है, एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से वो मिल्की हो जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम पास करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद अगर ये तो कैल्शियम कार्बोनेट तो एक प्रेसिपिटेट है, इस पे अगर हम व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन कैल्शियम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू दिस लाइम वाटर, यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट है लाइम वाटर, तो क्या होता है, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है, और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्यों डिसअपियर, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये तो हो गया टेस्ट फॉर लाइम वाटर। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे फॉर्म होता है, तो एक एग्जांपल हमने दिया है कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जो लाइम वाटर है उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास करें, तो पहला तो वो एक मिडिल स्टेज में देगा कि कैल्शियम कार्बोनेट वो फॉर्म करेगा, जो कि बाई प्रेसिपिटेटेड मिल्की सॉल्यूशन देगा। लेकिन अगर कंटिन्यूस अगर और भी ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड देंगे तो हमको क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये इसका इक्वेशन है। अब सी देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि बच्चों लोग आप लोग जानते होंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। सो इट इज़ अ रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर एज प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो जानते हो आप लोग, एसिड और बेस में जो रिएक्शन होगा वो क्या फॉर्म देगा, मुझे सॉल्ट और वाटर देगा। तो यहाँ पे मैंने NaOH HCl गिव NaCl प्लस H2O। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। एसिड को अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड के साथ अगर एसिड रिएक्ट करेंगे तो मुझे सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। जैसे CuO मेटल ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, और इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्या मिलेगा, कॉपर क्लोराइड और वाटर, तो एक सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट लास्ट है रिएक्शन विद वाटर। ओके, अगर एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या फॉर्म होता है। सो एसिड रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन। तो जैसे ही कोई भी एसिड के साथ अगर वाटर रिएक्ट करता है तो उस सॉल्यूशन में क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन आयन फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल है HCl इन प्रेजेंस ऑफ वाटर गिव H प्लस एंड Cl माइनस आयन। तो वाटर के साथ अगर कोई भी एसिड अगर रिएक्ट करता है, हम रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, H प्लस आयन्स, उन सॉल्यूशन में मुझे H प्लस आयन्स सॉल्यूशन मुझे मिलता है। तो आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों का एक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में ओवरव्यू हो गया होगा अच्छी तरह से जानकारी, विद एग्जांपल। अगर कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू बच्चों।